वेलकम टू द चैनल ज्ञापन एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग 3 लेसन का सबसे पहले बेसिक समझेंगे। आखिरकार ये जो लेसन है इसके बारे में आपको एक भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पे लेसन का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी इसका मतलब होता है कि दो चर वाले, यहाँ पे लिखे हैं दो चर वाले रैखिक युग्म। ये होता क्या है, यहाँ लिखे हैं हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ दो चर किसको बोलते हैं इसको हम लोग डीपली समझेंगे। दो चर, चर का मतलब होता है ABCD वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, चर, जिसका वैल्यू निकाला जाए। इंग्लिश में उसको वेरिएबल बोलते हैं, चर को वेरिएबल बोलते हैं। और यहाँ वेरिएबल है कितना, हम लोग 2 लेसन में पढ़े थे जो लिखा था 2x² + 3x + 5, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था। अब बताइए इसमें चर कितना है, तो यहाँ पे चर सिर्फ एक ठो है, क्या है, एक्स है। ठीक है, ABCD का मात्र एक ही पार्ट है जिसका वैल्यू यहाँ निकाला जाता था। लेकिन यहाँ पे कितना वैल्यू निकाला जाएगा, यहाँ पे एक्स है और वाई है, यानी एक्स का भी मान निकालना पड़ेगा और वाई का भी मान निकालना पड़ेगा, दोनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा, यानी दो ठो वैल्यू निकालना है। इसीलिए इसको बोलते हैं दो चर है। इसमें कितना चर है, दो। ये मत बोले कि इसको दो चर है, यहाँ एक एक्स का वैल्यू निकालिए, दो एक्स का बात, तो दोनों क्या है, सेम ही है। इसीलिए यहाँ पे दो चर का बात कर रहा है, दो चर हो गया, समझ गए। अब देखिए रैखिक समीकरण, ये दो चर तो है लेकिन ये रैखिक है, द्विघात नहीं है। रैखिक का मतलब होता है जिसका पावर एक हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन, जिसका पावर एक होता है, डिग्री एक हो, पावर दो हो तो उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक यानी द्विघात। तो बताइए दो चर है यानी दो वेरिएबल तो है ही, एगो एक्स है एगो वाई है, ठीक है, और क्या है, रैखिक है, दोनों का पावर क्या है, सबका पावर एक है। और समीकरण तो यही, दोनों क्या, इसको बोला जाएगा समीकरण बोला जाएगा, इक्वेशन बोला जाएगा। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। अब बताइए समीकरण कितना है, दो ठो है, तो हमेशा 3 लेसन में दो इक्वेशन दिया रहेगा यानी दो समीकरण दिया रहेगा, यानी जोड़ा में दिया रहेगा। पेयर यानी क्या होता है, जोड़ा होता है, ठीक है, तो ये जोड़ा में दिया रहेगा, पावर हमेशा एक रहेगा और हमेशा दो ठो का वैल्यू निकाला जाएगा। इसमें यही इसका बेसिक है। अब देखिए जब इसको बनाएंगे तो ये ज़्यादातर ग्राफ पर बनेगा, ठीक है। ग्राफ में इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। फर्स्ट इक्वेशन को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसमें 3 कंडीशन आते हैं, ठीक। देखिए फर्स्ट इक्वेशन से एक हमको, जैसे मान लीजिए कि हम लोग ऐसे ग्राफ खींचते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से मान लीजिए कि कोई ऐसे कहीं लाइन एक मिला, सेकेंड इक्वेशन से दूसरा लाइन मिला, तो इसमें 3 कंडीशन आता है। एक आता है इंटरसेक्टिंग, जिसको प्रतिच्छेदी बोलते हैं, ठीक है, एक आता है प्रतिच्छेदी, ठीक है, एक आता है पैरेलल समांतर, एक आता है समपाती। ये तीनों होता क्या है पहले समझे, ठीक है। देखिए हमेशा दो ग्राफ है, यहाँ पे दो ठो इक्वेशन है, तो दो ठो जाहिर सी बात है इस ग्राफ में दो ठो लाइन खींचा जाएगा। ये लाइन होगा कैसा, एक लाइन अगर सीधा है तो दूसरा लाइन एक को काटेगा, ये कंडीशन पहला हो सकता है। एक ऐसा नहीं होगा तो एक लाइन अगर इस ग्राफ में ऐसे होगा तो दूसरा लाइन इसी पर रहेगा, यानी एक पर एक लाइन रहेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग समपाती, यानी एक पर एक अगर ऊपर चढ़ के रहे तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, समपाती। लाइन हमेशा दो ठो रहेगा। अगर तीसरा कंडीशन आ गया, ग्राफ ऐसे तो ग्राफ ऐसे ही रहता है, और उसमें क्या होगा, एक लाइन अगर ऐसा होगा तो उसी के नीचे समानांतर लाइन होगा, यानी बीच का अंतर क्या है, देखिए तो चौड़ाई बराबर है, तो दो गो लाइन, ये लाइन का कमाल है। यानी लाइन 3 तरीके से रहेगा, एक तो लाइन एक दूसरे को काट देगा, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग प्रतिच्छेदी। एक बोलते हैं जो लाइन क्या होगा, दोनों एक दूसरे के क्या होगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एक लाइन गुजरेगा एक यहाँ पे गुजरेगा, समांतर हो जाएगा। और एक लाइन होगा जो एक लाइन ऐसे होगा उसी पर से एक और लाइन होगा, ठीक है। ग्राफ खींचने के बाद, इसको बनाने के बाद ये लाइन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर समझ में नहीं आएगा, संपाती समझिए किसको कहते हैं, एक पर एक क्या हो लाइन चढ़ा रहा है उसे क्या बोलते हैं, संपाती हम लोग बोलते हैं। अब ये जो तीनों टॉपिक है इसको हम लोग डीपली एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे, तब जाके ये समझ में आएगा आपको, ठीक है, कि ये इंटरसेक्टिंग वगैरह ये होता क्या है, ये लाइन कटता कैसे है। और एक और बात, बिना ग्राफ बनाए भी आप पहचान सकते हैं कि कौन सा लाइन प्रतिच्छेद किया है, किस ग्राफ में लाइन प्रतिच्छेद होगा यानी इंटरसेक्ट होगा, किस ग्राफ में लाइन एक दूसरे के ऊपर होगा, किस ग्राफ में लाइन एक दूसरे के सामने यानी कि समानांतर होगा। बिना आप ग्राफ खींचे भी बना सकते हैं, उसके लिए आपको एक कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले एक बात यहाँ समझ लीजिए, वो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि x के साइड वाले को हम लोग a बोलते हैं, y के साइड वालों को b, अब बाकी ये हो जाए c हो जाएगा। यहाँ देखिए तो ये हो जाएगा आपका a, ये वाला हो जाएगा आपका b और ये हो जाएगा c। इसमें भी वही कंडीशन होगा ABC, तो देखिए ABC यहाँ भी, ABC यहाँ भी होगा। तो देखिए डाउट यहाँ पे पहुँच जाएगा कि a बराबर a ये है कि ये वाला ये है,
मतलब ए है, तो क्या करेंगे वो कंडीशन होता है। ये भी आपका एक क्या हो जाएगा, यहाँ समझिएगा, ये भी आपका ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। जब दोनों ए है, दोनों बी है, दोनों सी है, तो इसमें कन्फ्यूजन आता है। कोई आपसे पूछे कि बी बराबर कितना, तो कोई बोलेगा बी बराबर चार और कोई बोलेगा बी बराबर दो। इसी के लिए इसको नाम को थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए इसको ए वन तो इसको ए टू कर देते हैं, इसको बी वन तो इसको बी टू बोल देते हैं, इसको सी वन तो इसको सी टू बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बताइए एक चीज हमेशा याद रखें, इसमें हमेशा जो भी इक्वेशन दिया रहेगा वो जोड़ा में दिया रहेगा, यानी पेयर में दिया रहेगा। ठीक है, तभी तो एक देखिए एक इक्वेशन से एक ठो यहाँ पे ग्राफ खींचा जाएगा, यानी कि यहाँ पे अगर लाइन है तो एक समीकरण को सॉल्व कीजिएगा तो एक ठो लाइन खींचाएगा, फिर इसको अगर बनाइएगा तो वो दूसरा लाइन कैसे खींचेगा, अगर कट गया तो वो हो गया प्रतिच्छेदी, अगर नहीं कटा सामने आ गया तो समानांतरा, एक पर एक लाइन चढ़ गया तो क्या बोलेंगे उसको, हम लोग समपाती बोलेंगे। अब हम लोग देखते हैं एक थोड़ा सा सीक्वेंस में लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए पूरा का पूरा थ्री लेसन में जो भी मल्टीपल च्वाइस बनेगा इसी से बनेगा। ठीक है, आपको ये नहीं बोला कि ग्राफ बना के दिखाइए, ऑब्जेक्टिव में ग्राफ की क्या जरूरत है। ठीक है, तो ये बेसिक से ही सिर्फ पूछेगा और ये अगर बेसिक आप देख लेते हैं तो आपसे एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा थ्री लेसन से जो भी आएगा। ये इसमें पढ़ना है कि इसका बताइए कितना हल होगा, एक हल होगा, अनेक हल होगा, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन अगर आ रहा है तो पूरा का पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग इसमें देखते हैं, हम लोग सबसे पहले जो भी ये ग्राफ कैसे खींचा जाता है बिना देर किए। अब देखिए अगर आप इस बेसिक को पूरा का पूरा समझ गए तो समझिए कि सबसे आसान ये होगा आपके लिए थ्री लेसन बनाना। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिएगा इक्वेशन ये तीन ठो हम दे दिए हैं, तीन ठो इसलिए दे हैं कि मात्र इस पूरा लेसन में तीन टाइप का ही इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। अगर समझ गए तो पूरा लेसन मतलब चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पहला लेसन है, पहला तीन को यहाँ टॉपिक है, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ देखिएगा दो चार वाला, ये दोनों है सब है, देखिए यहाँ पे ये भी दो चार वाला है, एक्स वाई ये भी है, ये क्या है जोड़ा में दिया है, एक इक्वेशन ये एक इक्वेशन, दो ठो को जोड़ा हम लोग बोलते हैं ना, तो ये भी जोड़ा में है, ये भी जोड़ा में, ये भी जोड़ा में, दोनों में दो दो ठो क्या है चार है। अब बताइए इसमें ए बी सी कौन होता है, यानी ए बी सी कौन होता है, तो एक्स के साइड वाला को हम लोग ए बोलते हैं, ये वाला हो गया बी और यहाँ कुछ नहीं है सी, यहाँ हो जाएगा ए बी और बीस हो जाएगा सी, इसमें भी ए बी सी ए बी सी, ये सब एक दूसरे क्या होता है ए बी सी दिया गया है। समझिएगा इसको, जब इस ग्राफ को हम लोग बनाएंगे सॉल्व करेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से खींचा जाएगा, यानी कि एक लाइन ऐसे आएगा, क्योंकि दो ग्राफ है तो जाहिर सी बात है कि दो ठो लाइन आएगा, तो मान लीजिए कि एक लाइन ऐसे आ गया दूसरा लाइन ऐसे आ गया, तो एक दूसरे को क्या किया प्रतिच्छेद किया काटा। ठीक है, तो अगर एक दूसरे को काटेगा ये डायरेक्ट ग्राफ बनाने के बाद ना पता चलेगा, लेकिन एक और तरीका से डायरेक्ट समझ जाए कि ये ग्राफ को काटेगा कैसे। अगर मान लीजिए कि यहाँ का ए वन जो भी यहाँ पे, यहाँ का ए टू, जैसे यहाँ मान लीजिए कि ए वन कितना है, यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो हमारे पास ए वन है वन, ए टू कितना है थ्री है, बी वन कितना है माइनस दो, अब बी टू कितना है फोर है, बताइए ये दोनों आपस में बराबर है। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो समझ जाइएगा कि एक दूसरे को लाइन काटेगा। याद रखिएगा फर्स्ट ए वन वाला मतलब ए वाला बी के बराबर अगर नहीं है तो क्या समझिएगा कि वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, मतलब एक जगह पे काटेगा। ठीक है, अगर एक जगह पे काटेगा तो उसका एक हल होगा, ये समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं। देखिए अगर मान लीजिए किसी भी ग्राफ में ऐसे हम खींच दिए, दो ठो इक्वेशन है समीकरण है तो दो ठो लाइन खींचाएगा, बताइए ये लाइन एक दूसरे को कहीं काट रहा है तो नहीं काट रहा है तो इसका कोई हल नहीं होगा, जितना जगह काटेगा उतना हल होगा। मान लीजिए कि ये लाइन एक दूसरे को काटे, कितना जगह काटा एक जगह, इसका मतलब इसका एक हल होगा, या फिर एक लाइन ऐसे है और फिर इसी पर एक और लाइन है, अब बताइए कि एक लाइन है और उसी के ऊपर एक लाइन है तो वो कितना जगह सट रहा है, कितना जगह काट रहा है, वो तो अनंत जगह काट रहा है ना, क्योंकि वो तो डायरेक्टली एक लाइन पर दूसरा लाइन सटा हुआ है, तो जितना जगह सटता है उतना हल होता है। ठीक है, तो यहाँ तो अनेक हल हो जाएगा, तो देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, ये अनेक हल है क्यों, क्योंकि एक लाइन पर दूसरा लाइन है, यहाँ पर एक लाइन दूसरे लाइन को काट रहा है तो एक ही जगह ना सट रहा है, इसीलिए इसका एक हल होगा। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट वाला लाइन दूसरे वाला लाइन के समानांतर है, कहीं नहीं काट रहा है, तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, यानी समानांतर ये में कोई हल नहीं, समपाती का मतलब होता है एक के ऊपर एक लाइन चढ़ा रहा है उसे समपाती बोलते हैं, प्रतिच्छेदी माने एक दूसरे को छेद करके निकल जाए, तो एक ही जगह ना यहाँ पे सटेगा, इसीलिए यहाँ पे एक हल होगा। इस कंडीशन में हम लोग को ग्राफ पता रहेगा तब ये बनेगा, लेकिन अगर हमको ये पता है तो हमको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। कैसे,
अगर ए वाला पार्ट, ये पूरा ए है, ये पूरा इधर वाला बी है, ए वाला पार्ट बी वाला के बराबर नहीं है तो वो एक जगह कटेगा। अगर तीनों बराबर है, यहाँ पे a1 a2 ये वाला हिस्सा, b1 b2 c1 c2, अगर ये तीनों बराबर आ रहा है तो समझिएगा बराबर है, यानी एक के ऊपर एक लाइन है। बाबू ये दोनों समीकरण बराबर है, आपको भले अलग अलग दिख रहा होगा लेकिन देखिए यहाँ पे दो है, तीन है और नौ है, यहाँ पे चार छः और अठारह, ये दोनों बराबर कैसे है? जब इसको कटाइएगा तो ये हो जाएगा दो दूना चार, ये हो जाएगा तीन दूना छः, ये हो जाएगा नौ दूना अठारह। अब बताइए यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, एक बटा दो, एक बटा दो, एक बटा दो, तीनों आपस में बराबर है कि नहीं? तो जब तीनों आपस में बराबर है इसका मतलब कि ये वाला लाइन दूसरे लाइन पर होगा। अगर ए वन ए टू बी वन बी टू और सी वन सी टू आपस में बराबर होता है तो लाइन होता है समपाती, यानी एक दूसरे पर होता है। अगर A1 और A2, B1 और B2 के क्या है, बराबर है, C1 C2 बराबर नहीं है, तो वो लाइन होगा समानांतर, जिसमें कोई हल नहीं होगा। अब आपको एक जगह इसमें डाउट क्या रहेगा वो हम बता दे रहे हैं, इसमें आपको हमेशा कंफ्यूजन आएगा, ठीक है, कि इसमें कौन किसके बराबर। ये तो आप समझ गए कि अगर सब बराबर होगा, ठीक है, तो लाइन एक दूसरे के, दोनों लाइन वहाँ एक के पर रहेगा, और जब एक ही पर लाइन रहेगा तो कितना जगह सट रहा है, अनेक जगह, तो उसका अनेक हल हो जाएगा। ये समझ गए, डाउट यही रहेगा। तो याद आप कैसे रखेंगे, देखिए फर्स्ट वाला अगर सेकेंड वाले के बराबर नहीं है, मतलब ए वन ए टू बी वन बी टू, ए वन ए टू समझ रहे हैं, एक्स के साइड वाला को ए बोलते हैं तो इसके साइड वाला भी ए हो जाएगा, तो दोनों ए हो जाएगा। इसीलिए पहचानने के लिए कि कौन नीचे वाला ए है कौन ऊपर वाला, ए का नाम ए वन और दूसरे का नाम ए टू रख देते हैं। ये हो जाएगा बी वन बी टू और ये जो नंबर यहाँ बचेगा वो सी वन और सी टू हो जाएगा। तो अगर ए वन बट्टा ए टू बी वन बट्टा बी टू के बराबर नहीं आता, यानी पहला वाला बराबर नहीं हो, तो समझिएगा वो एक जगह कटेगा। अगर ए वन ए टू बराबर हो रहा है लेकिन बी वन और बी वन बट्टा बी टू और सी वन बट्टा सी टू बराबर नहीं हो रहा है, यानी दूसरा वाला बराबर नहीं हो रहा है, तो समझिएगा वो एको जगह नहीं कटेगा। मान लीजिए कि है तो एक जगह कट भी रहा था लेकिन लास्ट वाला अगर क्या हो, बराबर अगर नहीं हो पा रहा है तो एक भी जगह नहीं कटेगा। तो जब कटेगा ही नहीं तो दूर दूर है, ना कहीं सट रहा है ना कहीं कट रहा है, तो कोई हल नहीं होगा और ये लाइन पैरेलल हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। तो हमेशा ग्राफ में तीन एगो कंडीशन आता है, या तो लाइन जाके कहीं, मान लीजिए कि ये ग्राफ है और ऐसे एक आ गया तो कहीं दूर जाएगा तो जाके कटेगा ना, तो या तो एक जगह कटता है नहीं तो पैरेलल होता है, नहीं तो एक के ऊपर एक रहता है। तो उम्मीद करेंगे कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसका हम लोग अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो और एग्जाम्पल दे करके तो बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको समझ में आएगा। तो ये बेसिक आपको उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।